good morning students myself Kiran Yadav, i'm your english teacher of class second so welcome to your new session 2021-22 so your subject is english class second chapter number four your book name is mary gold pages we will do today 31 to 36 and topic is i want okay here is your question answers so first of all open your textbook page number 32 so here is reading is fun put a right or a wrong against the following sentences one has been done for you so here we have to mark right and wrong which sentence is wrong and which sentence is right so we have to mark right like this and wrong like this okay so first is already done for you the little monkey wants to be big and strong so you have read this uh, line in, your, in this chapter yes the little monkey wants to be big and strong so here already mark is right okay now next a wise woman does does not hear him जो एक वाइज वुमेन होती है वो उसकी बातों को नहीं सुनती है नहीं ये तो गलत है वो तो सुनती है ए वाइज वुमेन हेयर हिम सो हेयर दिस इज दिस सेंटेंस इज रॉन्ग सो वी विल मार्क रोंग ओके नाउ नेक्स्ट सी गिव्स हिम ए वेंड यस दिस इज राइट सी गिव्स हिम ए वेंड सो हेयर वी विल मार्क राइट ओके नाउ नेक्स्ट द जिराफ स्ट्रेच हिज लॉन्ग नेक येस जिराफ स्ट्रेस हिज लॉन्ग लेक जो जिराफ होती है उसकी लंबी गर्दन होती है उसको वो ऊपर उठाता है खींचता है येस दिस इज राइट सो हेयर वी विल नेक्स्ट इज द एलिफेंट हैज़ नो ट्रंक जो हाथी होता है उसके कोई लॉन्ग uh, नोज नहीं होती नहीं होती है उसके तो सभी एलिफेंट्स की होती है ठीक है सो येस द एलीफेंट हैज़ नो ट्रंक इट्स रॉन्ग एलिफेंट हैज स्ट्रंक ओके सो हेयर वी विल दिस सेंटेंस इज रॉन्ग नाउने द जेब्रा हेज स्ट्राइप्स जेब्रा के काली धारियां थी येस दिस इज राइट सो हेयर वी विल माइक राइट ओके द लिटिल मंकी सीज अ मॉन्स्टर इन द रिवर ये सीज द मॉन्स्टर बट हु मॉन्स्टर

अगर मैं बताऊँ जब मैं स्कूल में थी तो मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी जिसका नाम है खुश कुसुम उसे मैं बहुत पसंद करती थी आई लाइक हर वेरी मच सेकेंड इज़ डू यू गॉन्ट टू बी लाइक हर हिम वाई अगर आपको कोई पसंद है तो आप उसको क्यों पसंद करते हो तो अगर मैं अपना बताऊँ आई लाइक हर बिकॉज ही वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट okay so you can tell um, you can tell uh, me according to yourself okay now next do you know about the food that each animal eats yes um, monkey fruits kata and elephants uh, also eat fruits um, zebra eats grass and giraffe eats leaves okay so the, this is your question answer now we will do this question and their answer okay so please take out your notebook and write in it so here your first question what does little monkey want to be जो लिटिल मंकी था वो क्या बनना चाहता था द लिटिल मंकी वॉन्ट्स टू बी बिग एंड strong ओके जो लिटिल मंकी था तो वो बड़ा और ताकतवर बनना चाहता था now सेकेंड क्वेश्चन यर्स हिम उसे कौन सुन लेता है यस आंसर विल बी अवाइज वुमेन हीयर्स हिम क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ डज एन एलिफेंट हैव ए बात जो एलिफेंट है वो बात कैसे लेता है द एलीफेंट फील्स हिस्स विथ वाटर एंड ब्लोज इट ऑल ओवर हिम सेल्फ क्वेश्चन नंबर फोर डज द जेब्रा है स्पोर्ट्स और स्ट्राइप्स जेब्रा के स्पोर्ट्स थोड़े होते हैं नहीं होते हैं, ना स्ट्राइप्स होते हैं स्पोर्ट्स तो या टाइगर के होते हैं जो राउंड में होते हैं ठीक है सो द जेब्रा हैज स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी क्वेश्चन नंबर फाइव वाई डज लिटिल मंकी वॉन्ट टू बी हिमसेल्फ अगेन सो इन द लास्ट ऑफ द चैप्टर वी द लिटिल मंकी वॉन्ट्स टू बी हिमसेल्फ अगेन वाई द लिटिल मंकी वॉन्टेड टू बी हिमसेल्फ अगेन बिकॉज ही लुक ऑफुल क्योंकि जब वो सारी विश मांगते हैं तब वो एलिफेंट्स की ट्रंक जेब्रा की जेब्रा की स्ट्राइप्स जिराफ की लॉन्ग नेक तो वो बहुत ही ऑफुल दिखता है बहुत ही डरावना दिखता है सो दैट्स वाई ही वॉन्टेड टू बी हिमसेल्फ अगेन ओके नाव मूव टू द नेक्स्ट लेट्स शेयर देर आर मैनी काइंड ऑफ पीपल दे ऑल लुक डिफरेंट वन फेस हैज़ बिन ड्रॉ फॉर यू ड्रॉन फॉर यू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द फेसिस सो हेयर Uh, some faces are given. So first is already done for you. You can draw hair, faces like eyes, nose, lips. Okay. So you can draw. But uh, when you uh, when you draw these pictures, it looks different. Okay. So you can draw these pictures. Okay. Now, let's act. Uh, act out the story. Play the parts of the monkey, the wise woman, and the mother In turns in the classroom. What would you do if you had a magic wand?

सो अकॉर्डिंग टू मी आई वु टर्न इट राउंड एंड राउंड एंड टर्न ए बुक इन टू ए अगर मेरे पास मैजिक इवेंट होती तो मैं उस जादू की छड़ी को घुमाती और मैं बुक को किस में वो टर्न कर देती चॉकलेट में क्योंकि आई लाइक चॉकलेट वेरी मच सो हेयर यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू यू ओके सो आई विल चॉकलेट नाउ नेक्स्ट आई वुड टर्न ए डॉग इंटू ए अगर uh, मे, मेरे पास मैजिक इवेंट होती तो मैं डॉग को किस में टर्न uh, uh, कर देती कैट में बिकॉज मुझे कैट भी बहुत पसंद है अगर मेरे पास पेंसिल होती तो ऑब्वियसली पेन में कर देती आई वुड टर्न यू इंटू ए प्रिंसेस अगर मेरे पास मैजिक इवेंट होती तो मैं आपको प्रिंसेस बना देती Okay, so you can write according to yourself. Say aloud. So here is the uh, word. So we have to speak these words. So first, strong. Speak with me. Strong. Stretch. String. Stripe. School. Skin. Scold. स्क्रफी स्पोर्ट स्पिट स्पिन स्पेल जेब्रा जू जिप जू जिराफ जंप जॉय जेली, गम गर्ल ग्रो गिव सो यू कैन से अलाउड दीज वर्ड्स एट योर होम नाउ लेट्स फाइंड सो हेयर मंकीज़ आर फन टू वॉच कैन यू फाइंड द वर्ड मंकी फाइव टाइम्स इन द बॉक्स हेयर दिस इज बॉक्स यू कैन सी सो हेयर फाइव मं फाइव मंकीज वर्ड आर गिवन सो वी हैव टू फाइंड मंकी वर्ड सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर इज एम इज़ हेयर सो वील मंकी की स्पेलिंग क्या होती है एम ओ एम ओ एन के ई वाई मंकी So, हमको ये वर्ड ढूंढना है ठीक है सो हेयर मंकी एम ओ एन के ई वाई फाइंड कर लिया सो वी विल एक तो ये हो गया मंकी ठीक है नेक्स्ट एम रहा एम ओ एन के ई वाई सेकेंड भी मिल गया सो वी विल ओके नेक्स्ट इज एम ओ एन के ई वाई थ्री हो गए वेरी गुड नेक्स्ट इज एम ओ एन के ई वाई ये भी मिल गया फोर हो गए नेक्स्ट इज फोर हो गया फाइव uh, uh, ढूंढना है हमको तो जो जल्दी जल्दी ढूंढो फाइव देखो ये रहा लास्ट ही लास्ट में सो एम ओ एन के ई वाई पाँच हो गए ढूँढ लिए आपको वापस ही रब करके वापस इनको वर्ड को सर्च करना है ठीक है नाउ राइट अबाउट योर फेवरेट एनिमल और बर्ड बाई कंप्लीटिंग दिस सेंटेंस माई फेवरेट एनिमल बर्ड इज़ आई लाइक इट बिकॉज आई डोंट लाइक इट बिकॉज आई थिंक इट लुक्स लाइक सो हेयर यू कैन राइट अकॉर्डिंग योर चॉइस About your favorite animal or bird, or you have to write about uh, themselves. Okay, so uh, I will write my favorite animal is leopard. I like it because it's run fast, I don't like it because it is dangerous. I think it looks like tiger yes it looks like tiger so you can write here according to your favorite so you can uh, agar dog favorite you can write here dog uh, my favorite animal is dog I like it because uh, he it is very honest uh, I don't like it because it barks yes huh. Okay, so you can write there. Okay, now next match the animal to its group word building. So here you can see a bee, a cow, a lion, a bird. Okay, and these are groups animals group here and lions group here, a birds group, bees group, and cows group. So now. वी विल मैच दिस ग्रुप्स ओके सो फर्स्ट ए बी जो बी होता है उसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं ए स्वाम ऑफ बीस सो नाउ वी विल मैच दिस ग्रुप नाव अ काउ काउ के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं ए हार्ड ऑफ काउस सो वी विल मैच दिस नाउ इट्स अ लॉयन और लॉयन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं प्राइड ऑफ लॉयस सो नाओ वी विल मैच दिस टू दिस वन ओके नाओ लास्ट दिस अ बर्ड जो बर्ड होते हैं उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स नाउ वी विल मीच मैच दिस ओके सो हेयर योर मैच द एनिमल टूट्स ग्रुप नाओ द मंकी रोड टू हिज मदर आई लुक ओ फुल मेड टू मिस्टेक्स व्हाट आर दे राइट द सेंटेंस करेक्टली सो हेयर यू कैन सी सेंटेंस आई लुक ओ फुल सो हेयर टू मिस्टेक्स आर गिवन सो टेल मी फर्स्ट मिस्टेक क्या है येस द फर्स्ट लेटर इज स्मॉल लेटर एंड इट्स शुड बी इन कैपिटल लेटर सो हेयर वी विल राइट आई लाइक दिस देन आई लुक ओ फुल लास्ट या तो फुल स्टॉप आता है पर हमारे जो चैप्टर में वो यहाँ पर क्या था

एस आई सो हम करेंगे इसको इज़ देर इज़ ई एच सो नाउ वी विल राइट एच ई हेयर इज़ जी आई बी सो बी आई जी बिग हेयर इज़ एम आई एच सो एच आई एम ओके एच आई एम यहाँ पर एस आई एच सो वी विल राइट एच आई एस हिज आर ई एच एच ई आर हर एन ए सी सी ए एन कैन ओके

So, here we will make S and now here we will write 3. Here is 1 zebra. So, here we will write 1 zebra. And you can see there 1, 2, 3, 4. 4 zebras. So, we will write S and 4 zebras. Okay. Here is 1 frog. And here 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 frogs. So, we will write here. Six frogs. So, this is your exercise. Is over. I hope you understood these uh, question answers. Uh, please uh, learn it at your home. Thank you. Have a nice day.